Well guys, right now हम लोग जो है river cross कर रहे हैं actually river पे ही जा रहे हैं अब आ गया water crossing छोटा छोटा है अरे गिरे गिरे भाई Hey guys, this is Bulu Biker and welcome back to my channel. I hope कि आप लोगों को नेपाल का जो सीरीज़ है बहुत अच्छा लग रहा है एंड खास करके जो मुस्टांग वाला राइड है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. आप देख चुके होंगे कि कैसे मुसीबतों का सामना करते हुए हम लोग पहुँचे फाइनली जॉमसम. सो लास्ट वाला जो वीडियो था उसको हमने घासा तक एंड किया, तो घासा के बाद जो है एक्चुअली हम पहुँचते हैं जॉमसम. सो उसका वीडियो आज दिखाएंगे एंड जॉमसम से फिर मुक्तिनाथ जाते हैं नेक्स्ट डे. सो वो वाला हिस्सा आपको दिखाएंगे आज के वीडियो पे. तो क्या हुआ ना, उस दिन इतना सारा टफ राइड होने के बाद एनर्जी बहुत लॉस हो रहा था, हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगा एंड ऐसा हुआ कि तातो पानी के बाद कोई अच्छी जगह नहीं मिला जहाँ पे आप खा सकते हो, मतलब लंच वंच कर सकते हो. तो तातो पानी के बाद करीब घासा में मिला एंड घासा वॉज लाइक सुपर एक्सपेंसिव. आप बिलीव नहीं करोगे, फ्राइड राइस हम लोग करीब 350-400 रुपये दिए हैं एंड थाली इज़ अबाउट लाइक 550 प्लस. पानी का बॉटल का कॉस्ट करीब 100 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों को भी ट्रांसपोर्टेशन में इतना पैसा लगता है, ट्रैवल करने में मतलब टाइम लगता है, बहुत मुसीबतों का सामना करके ही प्रोडक्ट्स वहाँ पर पहुँचा जाता है, तो होगा ही एक्सपेंसिव. व्हाटएवर इट इज़, सो डू एन्जॉय दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट द होल सीरीज़. और इसके बाद हम लोग फिर करेंगे आज के वीडियो के बाद आई थिंक नेक्स्ट टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आई अपलोड द रिटर्न बैक जर्नी टू पोखरा. उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो चढ़ाई हम लोग जितना उठे हैं अब उसको नीचे भी आना है एंड नीचे आना ट्रस्ट मी गाइज इज़ इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट है. तो चलते हैं फिर. वेल गाइज, यू कैन सी दिस रोड्स आर वेरी वेरी बैड, बहुत ख़राब सिचुएशन है. वहाँ पे देख सकते हो कि पानी जो है बह रहा है जिसके वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहा है. यहाँ पे पूरा कीचड़ भरा हुआ है, ऐसी कीचड़ वाला रोड है. और आपको दिखाता हूँ कि क्लाइंब कहाँ से करना है. देखो वो रोड वैसा जा रहा है, देखो ऊपर पूरी की पूरी रोड जो है कीचड़ के ऊपर है. वहाँ पर देखो एक स्टिफ चढ़ाई है, वहाँ जाना है हमको. हाँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, डोमिनर इज़ डूइंग ऑसम. इतना मज़ा आ रहा है इसमें आपको बता नहीं सकता, वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने से आपको पता चलेगा. ये ऑर्डर्ड जस्ट फ्राइड राइस, एक्चुअली मेनू देख के साहस नहीं हुआ कुछ ऑर्डर करने के लिए, सब 405 रुपये है. दिस वाज लाइक अबाउट 375 रुपीज़. सो वी थॉट चलो ठीक है, फ्राइड राइस आज खा के गुजारा कर लेंगे. एंड यू डोंट बिलीव गाइस, जो रोड था बाप रे बाप, सीरियसली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है. डन विद द लंच, अब थोड़ा एनर्जी आ गया है, अच्छा लग रहा है. यहाँ पे हम लोग खाए अच्छी सी गेस्ट हाउस है, ईगल नेस्ट गेस्ट हाउस गार्डन रेस्टोरेंट घासा ये जगह का नाम है. यहाँ से जॉमसम करीब 35 किलोमीटर्स है. सो निकलेंगे फिर, अभी फिर से थोड़ा अच्छा लगेगा चलाने में क्योंकि एनर्जी आ गया. नहीं तो यार मुझे जो भूख लग रहा था, बाप रे क्या भूख लग रहा था, क्या बताऊँ आपको. चलो फिर से उठते हैं क्योंकि मैं खड़ा होकर चलाता हूँ ना, पूरा पूरी की पूरी ट्रिप मैं खड़ा होकर चला रहा हूँ तो उसमें एनर्जी और ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. तो एक्सरसाइज है पूरा. ये घासा एक गांव के बीच में हम लोग निकल रहे हैं. अरे बेकार हो गया, शिट, कोई रास्ता मेरे ख्याल से नहीं है, घुमाएंगे. चलो ठीक है, ग्रीन एक अलग टाइप का रास्ता हम लोगों को इस पे गाड़ी चलाने का मौका मिला. यहाँ पे कुछ होटल्स है, छोटा सा क्रॉसिंग है. अरे 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 अरे, और खराब रास्ता है लेकिन क्या व्यू है मान, मानना पड़ेगा व्यू यहाँ का,
Look at the view. पत्थर वाला रोड है, पूरी की पूरी पत्थर है। देख सकते हो कितना सारा पत्थर है। अरे ये क्या, अरे रे रे, बंसर दिखा दे, बंसर वहाँ पे है। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ एक है ना, जींस का फिटिंग कूप में एक है, अंदर को ना बेस का वो देखना पड़ेगा। और टीम्स का, अच्छा दूसरा टीम्स में दूसरा हमने को ना कंडर। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, लो ओके, हाँ हाँ, राइट राइट। नहीं हो रहा है, फिर से किस्म फंसा। बहुत डिफिकल्ट है चलाना इस सब जगह पे, सही में। उतर जाओ, उतर के खींचो, गियर में छोड़ दो, गियर में छोड़ दो। हाँ हाँ, अभी करो, बैठने से नहीं जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ हाँ, रुको, चलो पूरा कीचड़ है, जाना भी डिफिकल्ट है, और मेरा शू भी फिसल रहा है। हाँ मेरा शू भी फिसल जा रहा है। ओके एक्सलेशन करो। हाँ हाँ हाँ, चलो देखो, वेरी डिफिकल्ट, रियली जाएगा जाएगा, चलो रेडी गाइस। सी कैसे कीचड़ है यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट है चलाना यहाँ पे गाड़ी। मैं तो खड़ा होके चला रहा हूँ इसलिए आ जा रहा है। चलो चलो, पूरी की पूरी एक्शन शॉट्स है, पत्थर के बीचों बीच लेना पड़ता है। देखो रास्ता नहीं है, खाली पत्थर डाल रही है, इसी से जाना है। सूरज दिख गया, सही है।
भैया हमें जाने दो जाने दो जाने दो हमें नहीं है क्या करेंगे भी? ये तो है ये क्या ऐसे जाता क्या तो सो गाइस टाइम हो गया करीब 4 बज चुका है और हम लोग ये एरिया में है यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक ही घर है बस एक ही घर और हुआ क्या है कि वहाँ पे काम चल रहा है ऊपर तो 6:30 बजे खुलेगा बोल रहा है 6:30 को खुलेगा रास्ता सो वी आर हेल्पलेस अब बस यहीं पे बैठना है सर्दी बहुत तेज हो रहा है बस वो रास्ता खुलने के बाद जाना है तो ये रोड्स पे एक है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है रास्ता वास्ता बंद कर देते हैं वहाँ पे देखो कैसा है यहाँ पे हमारे बाइक से ऐसे पार्क किए हैं घर के पास गाड़ी का कंडीशन आपको दिखाता हूँ ये देख सकते हैं आप So guys, we have a different bike here. This is Honda 250. This is a single cylinder Honda 250cc bike. Tornado XR 250. Looks like this is the same engine from CBR 250. हाँ, suspension का play ज़्यादा है ना? आप देख सकते हो कि शाम हो चुका है यहाँ पे देखो कितना सारा गाड़ी ब्लॉक था क्योंकि यहाँ भी काम हो रहा था रोड का रात का टाइम है बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा लाइट से ही जो विजिबिलिटी होगा जंगल है ये जंगल और पहाड़ भाई लोग ये रोड देखो आप लोग जंगल के अंदर से है वो भी पहाड़ियों के ऊपर एंड रात शाम हो के ऑलमोस्ट शाम हो चुका है रात होने वाला है अंधेरा जैसा है क्या व्यू है आज एक दिन में बहुत कुछ देखने को मिल गया वाओ आई फील लाइक देखो इसमें ऐसा है कि ना आगे कोई गाड़ी है ना पीछे कोई गाड़ी है लग रहा है पूरी की पूरी रास्ता हमारा है वैसा फील हो रहा है अच्छा यहाँ पे शायद कुछ गांव आ रहा है इधर सुबह से हो रहा है हेलमेट की ग्लास जो है ओपन करके चलाना पड़ रहा है क्योंकि फॉग हो रहा है आगे भी बहुत फॉग दिख रहा है Well guys, right now हम लोग जो है रिवर क्रॉस कर रहे हैं एक्चुअली रिवर पे ही जा रहे हैं रोड एक्चुअली डैमेज है तो अभी जो है ये रिवर के बाजू में ही है यही एक्चुअली रिवर है अभी पानी कम है इसलिए इस तरफ ही जा रहे हैं हम ये रिवर है रिवर को क्रॉस करना है वाओ क्रॉस करके जाना है अभी थोड़ा फ्लैट लैंड आ गया रिवर के बाजू में जा रहे हैं इसलिए दिस इज मस्टैंग देखो रिवर यहाँ पे है और हम लोग यहीं पे राइड कर रहे हैं रिवर के पास रिवर के बाजू में राइड Imagine guys,
कि कैसा फील कर रहा हूँ मैं। रात के टाइम है, अकेला हूँ, पीछे बाकी सब लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर है एंड जंगल है, ड्रिजल हो रहा है और ये ऑफ रोड। कैसा फीलिंग आ रहा होगा जो इमेजिन करो आप लोग। वेल गाइस, गाड़ी का कंडीशन आप देख लो, कल एक जगह पे मिट्टी में गिरा हुआ है जिसके वजह से आप देख सकते हो कि फॉग लैम्प जो अभी आकाश को पॉइंट हो रहा है, तो फॉग लैम्प स्विच ऑन करने से स्काई दिखेगा, वो है बात। और बाकी सब खैरियत, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल ऐसा हुआ कि हम लोग जब आ रहे थे जॉमसम, करीब 30-35 किलोमीटर्स पहले एक जगह पे क्या हुआ था ना, रोड काम चल रहा था जिसके वजह से इन्होंने करीब 2-2.5 घंटे की ट्रैफिक ब्लॉक किए थे। एंड देन हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे एंड फिर शाम हो गया तो हम लोगों को थोड़ा टेंशन हो रहा था कि यार कैसे जाएंगे और रोड्स भी पता नहीं है एंड वो सब टेंशन था। लेकिन थैंकफुली एक और ग्रुप भी थे, जो 3 लोग थे, सो वो लोग भी आ रहे थे जॉमसम, सो वहाँ से वो लोग बाइक पे थे। देन वी थॉट कि यार एक साथ ही चलते हैं और फिर वही सेम होटल पे हम लोग चेक इन भी कर लिए, सो दैट वे इट वाज लिटिल इजियर फॉर अस। सो दैट्स द थिंग, राइट नाउ हम लोग निकल रहे मुक्तिनाथ की तरफ और बाकी वहाँ चल के आपको अपडेट देंगे। सो ऑल सेट, बाइक आर रेडी, फ्रेंड्स नए फ्रेंड्स नए दोस्त हैं यहाँ से जो कल रात को हम लोग मिले थे एंड कैसे वहाँ पे है। वीडियो रिकॉर्डिंग होता है इसमें, मैं बात करने से मेरा वॉइस आता है उसमें, जो बात करता हूँ रिकॉर्ड होता है। ये जॉमसम है, आप देख सकते हो, यहाँ थोड़ी सी अलग टाइप का फील आता है। अच्छा, इनिशियली हमारा जो होटल बुक था इस होटल पे था, लेकिन हम लोग एक दिन लेट हो गए जिसके वजह से हम लोग फिर दूसरे होटल में चेक इन किए। अरे वाह, जॉमसम सिटी, अरे अभी क्या है, थोड़ा इंजन गर्म होने में टाइम लगता है। इंजन मतलब गाड़ी का नहीं, खुद का। कल क्या पूरा फॉर्म में थे, अभी मैंने ये ग्लव्स पहना है क्रैम्पस्टर का, इसमें थोड़ा ग्रिप डिफिकल्ट होता है क्योंकि थोड़ा मोटा वाला ग्लव्स है। चलो शुरू करते हैं। कल से बस खड़ा होते ही है ट्रेन। यहाँ पे एयरपोर्ट है, आप देख सकते हो कि जॉमसम का एयरपोर्ट है, यहाँ पे एयरबेस है, इतने हाइट पे छोटी सी एयरपोर्ट है, छोटे छोटे फ्लाइट आता है। सो जैसे हम लोगों ने पता लगा है कि जॉमसम जो है, मुक्तिनाथ जो है जॉमसम से करीब 22 किलोमीटर डिस्टेंस पे है एंड 22 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर जो है रोड बन चुका है, मतलब बहुत अच्छा रोड है एंड 10 किलोमीटर जो है ऐसे ही ऑफ रोड है, उसके हिसाब से प्लान करना है राइड। प्लान क्या करना है, बस राइड ही करना है। इस एरिया के लिए एंटी फॉग वाइजर्स होना ज़रूरी है। मैं तो लास्ट मोमेंट पर ये खरीदा तो एंटी फॉग वाला लगाया ही नहीं। जॉमसम से मुक्तिनाथ वाला रोड है ये, इसमें आपको ऐसे रोड्स मिलते हैं
थोड़े खराब टाइप के। अब आ गया वाटर क्रॉसिंग, छोटा छोटा है। अरे गिरेगा रे भाई, गिरेगा रे भाई, गिरेगा रे भाई। तो ये सब पे मोमेंटम ज़रूरत है, बहुत स्लो जाने से गिरेंगे। मेरा क्या है अभी एक ग्लव्स की वजह से मुझे थोड़ा सेट नहीं हो रहा, शायद थोड़ा टाइम लगेगा। So this is the spot where this thing goes towards Kagibani and this is Muktinath. Y junction hai. Is taraf aap jaoge to upper Mustang us taraf hai. Entry fee $500 aur is taraf hai Muktinath. Chalte hai fir. Ye kya hai, gravel road hai and gravel road pe bhi stiff climb ek ek jagah pe hota hai. Wo bahut difficult hai actually chalana. Bahut difficult hai. सीरियसली आपको अगर ऑफ रोडिंग देखना है या चलाना है देन दिस इज द ट्रिप मस्टांग, यू शुड कम हियर। स्कॉर्पियो वाले ऐसे चलाते हैं, बाइक वाले हैं थोड़ा केयरफुली चलाना, वो नहीं है, बहुत तेज भगाते हैं। तो कितना धूल उड़ा, इनको कोई परवाह ही नहीं है। ओह वी गॉट गुड रोड्स आफ्टर पता नहीं कितने टाइम के बाद आपको मिला ऐसा रोड। वाओ दैट व्यू मैन, वॉल्यूम बहुत कम है उसके वजह से गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, हर कोई गाड़ी यहाँ पे स्ट्रगल करेगा। वो दैट व्यू, yeah.
गाड़ी ऊपर जाता है आराम से जाना भैया। हाँ आ जाओ आ जाओ। भैया किस तरह इस तरह रुका रुका तो छोड़ दीजिए गियर पे ही है। पहली क्या अच्छा कुछ तो अटक रहा है वो पत्थर है। बस बस गाइस वी आर एट मुक्तिनाथ एंड यहाँ पे 108 नल है। यहाँ से नहा के फिर वहाँ पे दो कुंड है वहाँ पे डुबकी लगाना है। ये एक्चुअली फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है क्योंकि बर्फ से आ रहा है राइट बर्फ से आता है ठीक है। आप कैसे भाई हमारा रिकॉर्ड करेंगे बर्फीला पानी। इसको मुक्ति धारा कहते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पे नहाने से पता नहीं शायद मुक्ति मिलेगा या कुछ तो है मुझे उतना सही तरीके से पता नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि यार मुक्तिनाथ इतना दूर आए और यहाँ पे नहीं नहाए तो क्या किए तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट तो ले लिया। लेकिन ये जितना इजी आप लोगों को लग रहा है उतना इजी है नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है। ये पानी इतना ठंड है बाप रे क्या बताऊँ आपको। मुझे लग रहा था जैसे कि मेरा सर फट जाएगा एंड उसके बाद वो जो दो कुंड है वो तो उसमें से लगा कि मेरा जान ही चला गया जब मैंने डुबकी लगाया। लेकिन जो कुछ भी हो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन किए एंड दर्शन करके फिर वापस चले गए। वहाँ पे डुबकी मारो। अरे ये स्किड हो रहा है। अरे बाप रे देखो यार। हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा सो थैंक्स अगेन। यार आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो ये वाला सीरीज़ जो है आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ एंड नेपाल बहुत अच्छी जगह है लोग बहुत अच्छे हैं आप लोगों को डेफिनेटली विजिट करना चाहिए एक बार। आपके बकेट लिस्ट में नेपाल डेफिनेटली होना चाहिए एंड ये वाला राइड तो डेफिनेटली करना चाहिए। हम लोग थोड़ा बारिश के टाइम पर गए क्योंकि वही टाइम पर रोड्स ज़्यादा टफ रहता है एंड इंटरेस्टिंग रहता है सो हम लोगों को मज़ा आ गया। बस आप देख सकते हो कितना कॉन्फिडेंटली मैं राइड कर रहा हूँ और कितना मज़ा आ रहा है मुझे चलाने में तो वो है बात। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब गाइस। सो बहुत सारा प्लान्स है अभी फिलहाल हो सकता है कि मैं फिर से लद्दाख जाऊँ एंड इस बार बाइक जो है थोड़ा डिफरेंट रहेगा इंटरेस्टिंग रहेगा ट्रिप हो सकता है अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है लेकिन उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट्स मिलेगा। एंड अक्टूबर के करीब शायद हम लोग प्लान कर रहे हैं इधर अपर मस्टांग या मनंग कहीं पर भी जाएंगे सो दैट्स अ प्लान। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स एंड आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं ब्लू बाइकर आईडी है सो उस पर भी आप फॉलो करने से मेरा रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे आता रहता है। सो हैव अ ग्रेट डे बाय।